अभी कैसे लग रही हैं आप? बढ़िया बढ़िया लग रही हैं। कैसे आप अभी मुलाकात हुई है आपकी उनसे? हाँ। क्या बोला उन्होंने आपसे मिलके? सब बोल भैया सब सब दोस्त यार क्या बोल रहे हैं आपके स्कूल में, क्या बोल रहे हैं लोग? भैया जो कह रहे हैं बढ़िया, तुम्हारा नाम रोज सुने वो तुम्हारी गली को। तो बोल रहे हैं कि नहीं सीमा भाभी को पाकिस्तान भेज दो, वहाँ पर भेज दो, जाने दोगे आप? अरे वैसे तो भारत की हार है अगर वो भेजी तो, पाकिस्तान भेजे तो भारत की हार है, हार है ना वो, कि धमका के ले लिए, वो धमकी दे के ले लिए। तुमने वीडियोज भी देखी होंगी, वो चार जने वो लुंगी पहन ऐसे हमारे यहाँ, ऐसे तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने बदमाश घूमते हैं ऐसे हमारे यहाँ पे अगर ली में, अभी केस चल रहे पेंडिंग में पड़े ऐसे बदमाश पता नहीं कितने हैं। तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे? उनको ये देना चाहते कि आके ले जा। अब तो ये जो सचिन है पूरे पाकिस्तान का दामाद बन चुका है। हाँ जी जाए, हिंदुस्तान जी जाए पाकिस्तान का। देखो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बढ़िया है, चार बच्चों को लेकर आई है, प्यार वाली बात है, प्यार वाली बात है। अच्छी प्यार, कहाँ से कहाँ सीमा पार करके आई है, सीमा भी ना मतलब पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है, एक लेडीज के लिए बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी वो है, दिल 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 की बात भी है, हर चीज़ है उसके अंदर, बहुत बढ़िया आई है, बहुत बढ़िया चीज़ है। आस पास के लोग पूरे पूरा क्षेत्र हमारा जितना भी है दूर दूर तक सब इसके सहयोग में है, सारा काम जो भी है जैसे धन मन तन से, बस ये योगी मोदी जी की भी वो है कि इनको एक नागरिकता मिल जाए, बच्चे पढ़े इसके, हम तो हर तरह धन मन तन से हर तरह तैयार हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हरीश। हरीश, हरीश कौन से क्लास में पढ़ते हो? सिक्स। सिक्स क्लास में। आप इसी गांव के हैं? सचिन क्या लगते हैं आपके? भैया। भैया लगते हैं। ये जो सीमा भाभी आई है कैसा लग रहा है आपको, सबसे पहले ये बताइए? अच्छा लग रहा है, हमारी सीमा भाभी आई है। अच्छा, दोस्त दोस्त क्या बोल रहे हैं आपके? हैं दोस्त क्या बोल रहे हैं? दोस्त नो कह रहे हैं अब तुम्हारी भाभी आई है, सही है, भाभी अच्छी है, भाभी नो कह, सब दोस्त नो कह रहे हैं, सब दोस्त नो कह रहे हैं भाभी अच्छी है, भाभी अच्छी है। आपका क्या नाम है? विशाल। विशाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पाँच। फिफ्थ क्लास में पढ़ते हो। सीमा भाभी कैसे, सचिन क्या लगते हैं पहले ये बताइए? भैया। भैया लगते हैं। तो सीमा भाभी हुई आपकी, वो सीमा भाभी कैसे लग रही हैं आपको? भैया बढ़िया लग रही हैं। कैसे आप अभी मुलाकात हुई है आपकी उनसे? हाँ। क्या बोला उन्होंने आपसे मिलके? सब बोल भैया सब सब दोस्त यार क्या बोल रहे हैं आपके स्कूल में, क्या बोल रहे हैं लोग? भैया जो कह रहे हैं बढ़िया, तुम्हारा नाम रोज सुने वो तुम्हारी गली को। तुम्हारा नाम रोशन हो गया गली को। अच्छा अच्छा, पाकिस्तान से जो सीमा भाभी आई है मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा लग रहा है। आपका नाम क्या है? मोहित मीना। मोहित मीना कौन सी क्लास में पढ़ते? फिफ्थ क्लास में। अच्छा, सचिन क्या लगता है आपके? मामा। मामा लगते हैं, मतलब सगे मामा है सचिन आपके? ना। अच्छा, ऐसे मामा लगते हैं। तो मामी कैसे लग रही है सीमा? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रही है आपको? अच्छा, पाकिस्तान से हैं वो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आसपास के दौर यार तो दौर क्या बोल दोस्त क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। अच्छा, सीमा भाभी को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे कुछ लोग, कैसा लग रहा है? नहीं जाने नहीं जाएंगे आप? नहीं जाने दोगे सीमा? नो, ना कभी भी नहीं ना। आप क्या करोगे भैया? नहीं जाएंगे तो मार दोगे? मार दोगे भाभी को? पाकिस्तान नहीं जाने दोगे? नहीं। क्या नाम है आपके? सचिन क्या लगता है? सुविंदर भाई लगता है वो। हाँ हाँ हाँ, पड़ोसी है। कैसा लग रहा है आपको सीमा भाभी से मुलाकात हुई आपकी? अरे उसका जब से पता है ना, हमें पता ही था कि नाम तो बहुत होगा इसका, पकड़ा भी जाएगा इसकी हटेगी भी। अच्छा, कुछ ऐसा जो बोल रहे हैं कि नहीं सीमा भाभी को पाकिस्तान भेज दो, वहाँ पर भेज दो, जाने दोगे आप? अरे वैसे तो भारत की हार है अगर वो भेजी तो, पाकिस्तान भेजे तो भारत की हार है, हार है ना वो, कि धमका के ले लिए, वो धमकी दे के ले लिए। तुमने वीडियोज भी देखी होंगी, वो चार जने वो लुंगी पहन ऐसे हमारे यहाँ, ऐसे तो हमारे यहाँ पता नहीं कितने बदमाश घूमते हैं ऐसे हमारे यहाँ पे अगर ली में, अभी केस चल रहे पेंडिंग में पड़े ऐसे बदमाश पता नहीं कितने हैं। तो उनको क्या जवाब देना चाहोगे? उनको ये देना चाहते कि आके ले जा। आके ले जा। हाँ। अब तो ये जो सचिन है पूरे पाकिस्तान का दामाद बन चुका है। हाँ जी जाए, हिंदुस्तान जी जाए पाकिस्तान का। अगर इंक्वायरी भी हुई ना कि गलत साबित हुई कि ये जासूस या ऐसा तो हो नहीं, हालांकि अगर ये निकली में तो ये भारत में रहेंगी, जेल में रहेंगी, लेकिन जाएंगी नहीं पाकिस्तान। हाँ हाँ, मतलब ये इनको क्या लगता है कि सचिन का प्यार बिल्कुल सच्चा है, मोहब्बत ये अब तक जीत रहे हैं उसी सच्चाई से तो जीत रहे हैं, अब तक ये घर हैं उसी सच्चाई से तो जीत रहे हैं, वो मतलब ये साबित कर रहे हैं कि हम सच्चे हैं, ये घर तक आ चुके हैं इतने दिन से, कोई इतने दिन से मतलब कोई कार्रवाई कोई मतलब कड़ी सकता ही नहीं हुई है इनके ऊपर, वही मतलब सीएम योगी जी और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? वो तो खुद ही समझ रहे हैं, वो तभी बोलेंगे पता है, तभी ये निर्दोष साबित हो जाएंगे ना, वो खुद ही बोल देंगे। अच्छा, हाँ मुझे ये निर्दोष साबित हो जाएंगे ना, वो खुद ही बयान देंगे, इतना तो मैं सवार हूँ। आप चाहेंगे कि नागरिकता मिले सीमा जी को? अरे मिलेगी, ऑब्वियसली मिलेगी। अच्छा, शादी वादी का क्या सोच रहे हैं गाँव में लोग? शादी तो इनकी पता है हो चुकी है वैसे तो काठमांडू में। नमस्कार सर, आपका सुनना? मेरा नाम लोकमान है जी।
आप इसी गांव के आसपास के? मैं दूर का हूँ, जेवर के पास का हूँ। अच्छा, जेवर से हैं आप? मतलब जेवर से आप आके यहाँ देखने आए हैं, इस पाकिस्तान की बहू जो आई हैं। अच्छा, क्या क्या सोच के आए हैं, क्या क्या मन में है जो इतनी दूर से आप देखने आए हैं? देखो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बढ़िया है, चार बच्चों को लेकर आई है, प्यार वाली बात है, प्यार वाली बात अच्छी, प्यार कहाँ से कहाँ सीमा पार करके आई है, सीमा भी ना पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से यहाँ आना एक बहुत बड़ी बात है, एक लेडीज के लिए बहुत बड़ी वो है, दिल की बात भी है, हर चीज़ है उसके अंदर, बहुत बढ़िया आई है, बहुत बढ़िया चीज़ है। आस पास के लोग पूरे पूरा क्षेत्र हमारा जितना भी है दूर दूर तक सब इसके सहयोग में है, सारा काम जो भी है जैसे धन मन तन से, बस ये योगी मोदी जी एक ही वो है कि इनको एक नागरिकता मिल जाए, बच्चे पढ़े इसके, हम तो हर तरह धन मन तन से हर तरह तैयार हैं। हाँ अच्छा, कुछ ऐसे जो पाकिस्तान में मौलवी लोग हैं और जो वो बोल रहे हैं कि नहीं इसको वापस करना होगा पाकिस्तान को, ये फतवा निकालेंगे इसके खिलाफ, इसको लेके क्या सोचते हैं? ये तो पाकिस्तानी मुसलमान पहले मोमडन पहले से हमारे देश के कुछ ना कुछ करते आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जब उसके प्यार को कोई नहीं रोक सकता, ये गलत है, वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं? वो जो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस कर दो और इसको वापस लाना ही होगा, और ये जो अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से, नहीं नहीं बच्चे तो शायद मुश्किल ही जाएंगे, बच्चे नहीं जा सकते, कोई मतलब ही नहीं, बच्चे कैसे चले जाएंगे, उसकी माँ के पास है, वो पति कह रहा जो चार साल थे उसने कुछ देखा नहीं सुना नहीं, देखा नहीं, चार साल से घर बैठी हुई, इसमें फिर क्या हो सकता है बताओ जी। आपको लगता है कि मोदी सरकार को इनको नागरिकता दे देनी? नागरिकता देंगे जी, 100% देंगे, मोदी योगी तो बाबा हैं, एक गुरु हैं, संसार पूरे नाम हो रहा है मोदी जी का, वो तो जरूर देंगे, वो तो एक गुरु हैं, विदेशों में जाकर नहीं पूरी गुरु मंत्र दे रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, पहले हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जाते थे, पहले घरवाई से पूछते थे क्या कहना, चुप जाके बैठ जाते थे, हमारे यो मोदी जी हैं जो कर रहे हैं, वहीं से वो तेल सप्लाई कर रहे हैं, दुनिया पूरे हिंदुस्तान उसको। आप सभी खुश हैं सचिन के जो बहू आई है, पाकिस्तानी बहू आई है? कुछ खुश है जी, कोई पूरा क्षेत्र जहाँ तक भी है, पूरा उत्तर प्रदेश का, मेरा पूरा देश ही खुश है, ये मान चलो इस चीज़ से, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, सीमा पार से आना इतने, मतलब वहाँ से धक्के लेके चार बच्चों को साथ लेके आना, इस बताओ किसी लेडीज़ की इतनी ताकत है नहीं है, इंसान की भी ताकत नहीं है, सीमा पार करके आना, वहाँ से मकान दुकान बेच के आना, बताइए कमाल की बात, ये तो बहुत ही अच्छी दिल की बात है, बहुत बढ़िया करा है इन्होंने, इसका तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे जितने भी योगी मोदी जी सबको इनका समर्थन करना चाहिए, पूरे सबको समर्थन, पूरी जनता का समर्थन है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नोएडा से भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, और जो जैसा भी वो मोदी की भी देखे जा रहे हैं, सब पूरी कर रहे हैं, 51-51 देखे गए, सब कुछ बढ़िया हो रहा है जी भाई, इनकी नागरिकता मिल जाए, इनके बच्चे पढ़े लिखे, वरना गुजारा होता रहेगा, वो भी सहयोग करें, गरीब आदमी वैसे ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परेशान है हम, ये खैर वो कहें 10 बार जाए। ये पाकिस्तानी बहू जो आप सचिन लाया है उससे खुश है घर वाले? आप क्या सोचते हैं जो पाकिस्तान की बहू आई है? अब कहाँ सोचे बताओ, अब आ गया पोता लेके आ गए, खुश हैं आप? खुश तो राजी थे, गैर राजी होना पड़ेगा, हम तो पूछ के जाते तो हम कह देते आ शुक्र रहे, पूछ के नहीं गए आपसे ना, कोई बातचीत नहीं करी आपसे? कुछ नहीं, मोबाइल में गेम खेलते पकड़ा आपने? हाँ गेम ही खेले, गेम से बिगड़ गए बच्चे, गाँव वाले तो खुश हो रखे हैं बहुत। हाँ खुश तो सब हैं, ये और क्यों झुक रहे हैं, तुम भी खुश हो जो आ रहे हो। आपको पानी खाना पूछ रहा कोई? कहाँ पूछ रहा, जब बनाई गो ना तो खाना, तो पाकिस्तान की बहू जो आ रखी है सीमा हैदर, उन्होंने खाना नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं इंटरव्यू ही दे रही, नहीं कचाई नहीं, सास ससुर की तो सेवा करनी चाहिए थोड़ा, मुझे कहा करेगी हमारो कुछ भी कहा, सैड स्टोरी है कि अंकल जी काफी बुजुर्ग, कितने साल हो गया अंकल जी आपको? कितने साल के बाद? 98 साल की पहुंच, 96 साल, 98 98 बहुत, आप बहुत, आप 100 साल और जी अंकल जी, आप बहुत लंबी उम्र है, आपने अच्छा देखा अपने अंकल अपने पोते को, क्या कहेंगे आप? जी कहा कहेंगे, आपके जमाने में तो ऐसा कुछ होता नहीं था? नहीं हमारे जमाने में हुआ ही ना ये ऐसा स्वांग, ना हमने करो ना देखो ना सर, बाबा खुशी तो राजी नहीं रही है, गैर राजी है रही है।